नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। दोस्तों, हारमोनियम खुद से बजाना, या मैं कहूं कि कोई भी गाना खुद से निकालने की टेक्निक क्या है। दोस्तों, सबसे पहली जो टेक्निक है वो ये टेक्निक है और उसका नाम है प्रैक्टिस, या मैं कहूं उसका नाम है रियाज। अब रियाज की जब बात आती है या प्रैक्टिस की बात आती है तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें जो एक ऑक्टेव है उसके अंदर जो 12 सुर हैं उनका किसका क्या साउंड है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर 100% नहीं है, अगर 100% नहीं है तो कम से कम 50% 70% उसका अंदाज हमको पता होना चाहिए कि भाई ये गा कोमल है और ये गा शुद्ध है, दोनों के अंदर अंतर क्या है, ये हमारा धा कोमल है, ये दोनों में क्या अंतर है, ये नी कोमल है, दोनों में क्या अंतर है, ये किस प्रकार का साउंड देते हैं। तो ये सारी चीजें, अब आप एक चीज बताइए, अगर आप इनके साथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे या मैं कहूं इनके ऊपर आप दोस्ती नहीं करेंगे इनके साथ में, तो कैसे साउंड का पता चलेगा। तो ये सारी चीजें, मेन चीज होती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि बस हमें गाना सुनाई दे और हमारी उंगलियां ऑटोमेटिक ऐसे चले, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, ठीक है। अब कुछ भी ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ऐसा होता है कि वो सीखते नहीं हैं और उसके बाद में भी वो अच्छा बजाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है ये जरूर मान लीजिए कि उनका जो म्यूजिक सेंस है वो बहुत इम्प्रूव है। अब वो म्यूजिक सेंस बचपन से या पैदा होते ही नहीं आता है, या तो उसने उसको बहुत ज़्यादा सुना है, उसने म्यूजिक को बहुत सुना है। क्योंकि अब क्या है कि आपने गाना बहुत सुना है, आपके दिमाग के अंदर वो बैठा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको बस ये सुर को पता करना है कि इसका साउंड क्या है। आप गा रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं आपसे सिंपल एक गाना, एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही फेमस गाना है पंकज उदास जी का, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। अब ये जो गाना है मैंने गाया, ठीक है, मैंने अपने स्केल से गाया, ठीक है। अब इसका जो मैंने गाया है, ये जो लय है, ये जो तरज है, ये जो धुन है, ये मेरी एग्जैक्ट अगर मैं गाऊंगा तो ही मैं, मेरे को क्या करना है, फिर मैं जो गा रहा हूं उनको मैच कर लेना है बस सुरों के साथ में, कहां कहां पे क्या हो रहा है। अब मैं मेरा स्केल ये लिया, ये सापा ले लिया, चिट्ठी आई है। अब अगली लाइन शुरू होती है, तो मैंने सापा ले रखा था, ओ बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, मतलब मैं अपने स्केल में हूँ, अपने स्केल से आउट नहीं हो रहा हूँ, ओ बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। अब आपने देखा कि मेरे स्केल में मैंने गाया, और एक स्केल की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये जो स्केल है तो सापा, जो तानपुरा जो चलता है स्केल में, सापा ये सुर होते हैं, मैं यहां पर हूं, ये सापा लगाया और इसके अंदर मैंने मेरा गाना गा दिया, ये मेरा स्केल चलेगा एक तरीके से, ये तानपुरे का प्रारूप है, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, इन सुरों को अगर आपने एनालिसिस किया होगा, सुना होगा, तो ये समझ में आया होगा कि जो गाना ओरिजिनली पंकज उदास जी ने गाया है, स्केल अलग है मेरी लेकिन लगभग ठीक ठाक वैसा ही गाया है, ठीक है। तो अब मैं जैसा गा रहा हूं वैसा ही मैं सुर मैच करूंगा। अगर मैं गलत गाता या गंदा गाता, सुनना इस बात को, गलत गाता या गंदा गाता तो मैं गलत ही निकालता, और उसमें क्या होता कि आपको ऐसा लगता है कि यार मजा नहीं आया,
ठीक है, या फिर ये गलत गा रहा है, ये बेसुरा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये होता है कि हम तो हारमोनियम बजाने की बात कर रहे हैं, गाने की बात कहाँ से आ गई। तो देखिए दोस्तों, अब ये तो मैंने वॉइस निकाली, आपके दिमाग में एक स्केल लीजिए, आप यहां से लीजिए, जैसे मान लो कि ये स्केल ले लिया यहां से, जरूर नहीं है कि आप गाएं, आप अपना स्केल, जैसे मान लो यही स्केल मैं लेता हूं वापस से, ये मैंने किया। अब मान लो मैं ये एफ शार्प लेता हूं तो सा के साथ पा ये लगेगा, मैं और आगे बढ़ जाऊं, ये मेरा सा हो गया, ये मेरा सा, उसके बाद में रे गा मा पा, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने गाना आना चाहिए, आप किसी भी अगर आप ई ई भी करें, लेकिन जो भी आप गुनगुना रहे हैं, चाहे वो आवाज अच्छी हो कैसी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बजाने की जब बात आती है तो उसमें क्या है कि आप जो दिमाग में, अगर आपने उसको सेंस आपका प्रॉपर है, कहने का मतलब कि उसको आप समझ अच्छे से गए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो ही जाके आप सुर मैच कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? उसको बोलते हैं हम म्यूजिक सेंस, कि आपके अंदर म्यूजिक का सेंस कितना है। कोई गाना आपने सुना एक बार, आपने उसको दो बार सुना, चार बार सुना, जितनी बार सुना, और उसके बाद में आप वैसा का वैसा आपकी आवाज में उसको गा सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे ये एक गाना है, सोलह बरस की बाली उम्र को सलाम, हो कोशिश करके देख ले नदी दरिया सारे, नदियां सारे। अगर देखो मैंने इसमें क्या किया, नदियां सारी, ये गलत हो गया पैटर्न। अगर मैं इसको ऐसे, नदियां सारी, नदियां में ऐसा काम है, अगर आप गाने को सुनेंगे तो, कोशिश करके देख ले चीज, अगर मेरे गले में या मेरे दिमाग में नहीं होगा, एक चीज बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि आप कोशिश करके देख ले, आप इसको चाहे जो भी स्केल है उसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं क्या, उच्चारण कर सकते हैं क्या, वैसा गुनगुना सकते हैं क्या जैसा ओरिजिनली गाने के अंदर है। बात समझ में आई? तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में अगर हैं तो ही आप खुद से गाना निकाल सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कम जाना है, ज़्यादा जाना है। अगर आपके गले में, दिमाग में वो गाना है और सुरों के साथ आपकी दोस्ती है, बात समझना मेरी, सुरों के साथ दोस्ती का मतलब कि किस सुर का क्या सेंस है, उसका साउंड क्या है, वो सेंस अगर हमारे दिमाग के अंदर है और हम उस गाने को अच्छे से अपने दिमाग के अंदर प्रिपेयर कर चुके हैं, तो हम उस गाने को प्ले कर सकते हैं हारमोनियम पे। हो सकता है
एक बार में आपको थोड़ा सा इधर उधर सुर का इधर उधर लगेगा कि हाँ यार ये धा कोमल नहीं धा शुद्ध लगेगा, नी कोमल नहीं नी शुद्ध लगेगा, ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिस करते 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 ये भी एक ऐसा टाइम आता है सिर्फ आपको दिमाग से सोचना है और वो चीज़ निकलने लगती है, उंगलियाँ ऑटोमेटिक चलने लगती हैं। चलिए ये बात तो आपने बताई बहुत अच्छी है सर, लेकिन अब हमको क्या करना चाहिए? देखो करना ये चाहिए कि सबसे पहली बात, रियाज तो आप करते ही हैं इन सुरों के साथ में, ये रियाज है, इससे बड़ी एक रियाज होती है, इससे भी बड़ी एक रियाज होती है और उस रियाज का नाम है सुनने की रियाज। आप अगर जितना अच्छा सुनने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ सेव होगी और उतना ही अच्छा आप उसको यानी कि बेहतरीन तरीके से उसको निभा पाएंगे, बेहतरीन तरीके से आप उसके अंदर इफेक्ट डाल पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, किसी भी गाने को जिसको भी निकालना है आप आज से ही ये काम शुरू करें। जो भी गाना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शुरू में ही 16 बरस की बाली उम्र को सलाम इसको तैयार करना है, शुरू में आप कोई भी भजन ऐसा लीजिए जो आज तक आपने नहीं निकाला, कोई भी ऐसा सिंपल सॉन्ग लीजिए जिसको आज तक आपने प्ले नहीं किया या आपने उसका ट्यूटोरियल देखा नहीं है, उस गाने को अचानक लीजिए और उस गाने को 10 बार 20 बार सुन लो। सुन करके आप उसको ईयरफोन को निकाल दो या उसको बंद कर दो और उसके बाद में आप उसको अपनी आवाज में, आपकी आवाज स्केल जो भी है दैट इज नॉट ए मैटर, उसको आप गाइए, उसको आप रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने के बाद में आप उसको सुनिए क्या आपने कितना सही गाया है, क्योंकि जितना सही आप गा रहे हैं उतना ही सही आपने सुना है। बात समझना कि जैसा आपने सुना है वैसा ही आप गाएंगे, तो इसका मतलब मेन जो निकालने की टेक्निक वो कहां पे है कि आप क्या सुन रहे हैं। आप देखेंगे मेरे वीडियोज, बहुत सारे वीडियो भजनों के ऐसे हैं जो आज तक किसी ने YouTube पे नहीं डाले, वो मैंने बनाए हैं। और वो क्यों बनाए हैं, क्योंकि ना तो उनके नोटेशन गूगल पे मिलते हैं ना कोई बुक मिलती है, भजन आता है मैं बनाता हूं, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं उसको अच्छे से सुनता हूं, सुनने के बाद मैं अपने दिमाग में सेट करता हूं, मैं अपनी स्केल डिसाइड करता हूं कि ये गाना ऊपर कितना जा रहा है, मेरी आवाज़ कितनी जा रही है, और वो आवाज़ अगर मैं यहाँ से बजाऊंगा तो ठीक रहेगी, यहाँ से बजाऊंगा तो ठीक रहेगी, यहाँ से बजाऊंगा तो ठीक रहेगी, एक उन सब चीज़ों का ध्यान में रख के पहले तो मैं अपनी स्केल में ही उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं स्केल चेंज करता हूँ। और जब मेरा गाना मुझे पता चल गया कि ये यहाँ यहाँ से बैठ रहा है, फिर मैं उसके ऊपर दिमाग लगाता हूँ कि हाँ इसके अंदर कौन कौन से सुरों का यूज हुआ है, अच्छा इसमें रे कोमल लगा है, गा शुद्ध लगा है, धा कोमल लगा है, नी कोमल लगा है, शुद्ध लगा है, जो भी लगा है, उसको करने के बाद में मैं उस पर थोड़ा वर्क करता हूँ। फिर उसके बाद में मैं उस गाने को बजाने से पहले आपको बता देता हूँ कि देखिए इसके अंदर जो पैटर्न है, गाधानी कोमल का प्रारूप है या थाट भैरव का प्रारूप है या रागपुरी या धनाश्री का इसके अंदर इफेक्ट है, ये फला राग का इफेक्ट है, फला थाट है, तो वो क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले वैसी एक्सरसाइज अपने लेवल पे करता हूँ और वो करने के बाद में आप लोगों के सामने मैं उसको प्ले कर देता हूँ। एक बार दो बार मेरी प्रैक्टिस होती है, बस आपके सामने होता है, तो ये प्रैक्टिस से आ रहा है। अगर आप देखें अगर सुर संगम के वीडियो, तो मेरे हिसाब से मोर देन 500 गाने या भजन होंगे। अब इतने मैं प्ले कर रहा हूँ अपने आप से निकाल करके, और मैं कहीं से नोटेशन का सहारा भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है नोटेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स मिलती हैं और वो या तो वेस्टर्न में लिखी मिलेंगी या फिर अलग स्केल में लिखी मिलेंगी। मैं उसको मोबाइल पे अच्छे से सुनता हूँ और अपने हारमोनियम के साथ में जो स्केल पे वो गाना चल रहा है उस स्केल पे निकालता हूँ। निकालने के बाद में मैं उसमें स्केल समझता हूँ कि कौन कौन से सुर यूज किए हैं, फिर मैं उसको अपने स्केल पे या फिर जो मुझे कंफर्टेबल है उस स्केल पे लेकर के आकर के और आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। तो यही प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये सारी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं दोस्तों, तो आप खुद से निकाल पाएंगे। मेन चीज फाइनली क्या निकलता है कि अच्छे से सुनिए, उसको गुनगुनाइए, जो भी आवाज है उसको रिकॉर्ड करिए, सुनिए। अगर उसको अच्छे से आप सुन करके सेंस अगर आपका अच्छा है, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, तो ही बस उसके बाद तो फिर सुरों में बिठाना है, वो बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज बैठे वो इंपॉर्टेंट है। तो सुनने का आप रियाज करें, एक एक लाइन को, एक एक अक्षर को क्या कहां काम किया है
मैं भी ये नहीं कहता हूं कि मैं भी परफेक्ट हूं, मेरा भी अभी मतलब ये मान लो प्रैक्टिस चल ही रहा है, लेकिन आप भी धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को बढ़ाएं कि किस लाइन के अंदर, किस अक्षर के अंदर, किस शब्द के अंदर खिंचाव है, कहां पे क्या काम किया है, कितना लिया है, उस चीज को पहले अपने गले में बिठाएं, फिर आप उस गाने को सुरों के साथ में मैच करें, हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बात आप लोगों को जवाब देने के हिसाब से मैंने आपके सामने पेश की है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो मेहनत है आपको समझ में आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।